इस अवेयरनेस से डरना चाहिए। के द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध विपक्ष के द्वारा होता है। संसद हो जाए, सदन हो जाए, यह मानना एक डिक्टेटर सोच वाले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में कई परंपराओं को तोड़ने का काम किया है, और यह एक प्रैक्टिस है, यह एक परंपरा है। प्रजातंत्र में, खासतौर से भारतीय प्रजातंत्र में, विपक्ष और विरोधी का बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सदन में प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष की सबसे अधिक महत्ता बताई जाती रही है, और यह एक प्रैक्टिस है, यह एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में कई परंपराओं को तोड़ने का काम किया है, उसमें से यह एक परंपरा है कि आज विपक्ष विहीन संसद हो जाए, सदन हो जाए, यह मानना एक डिक्टेटर सोच वाले व्यक्ति का ही काम हो सकता है या पार्टी का काम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की समझ देश की आम आवाम को भी है, इसलिए उनको आम आवाम के इस कॉन्शसनेस, इस अवेयरनेस से डरना चाहिए। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो जनता, देश की जनता आने वाले दिनों में जो आजकल कुकृत हो रहे हैं उसके मतलब उसको देखकर जनता अपना फैसला सुनाएगी। जिस महीने में आप बैठक कर रहे हैं उस महीने में भाजपा 4 बड़ी रैली कर रही है। नहीं नहीं, मैंने ये जो प्रदर्शन है, धन प्रदर्शन, जन प्रदर्शन से ज़्यादा धन प्रदर्शन, यह इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है, और उसी का नतीजा है कर्नाटक। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वह एक फटीग क्रिएट करता है। प्रजातंत्र में बहुत नेचुरल एक सोच होती है कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग गए हैं उनकी गलतियों का, उनका जो उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध विपक्ष के द्वारा होता है। दूसरी बात है कि पक्ष और विपक्ष यदि नहीं रहा तो भारत के प्रजातंत्र का जो मूल है वह समाप्त हो जाएगा, और उसी ढंग से डिजाइन किया गया है यहाँ के संविधान को, यहाँ के प्रजातंत्र। 4 बड़ी रैली करेंगे तो नुकसान होगा ना महागठबंधन को? नहीं ना, नुकसान काहे को होगा, वो इवेंट मैनेजमेंट रोज कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान हो रहा है? जनता और जागृत हो रही है कि हमको प्रवोक किया जा रहा है, हमको किसी चीज़ के लिए मतलब प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, बात को जनता समझने लगी है भाई। तो हमारे इस बैठक में इतनी ताकत है, इस बात का तो एहसास कीजिए। देश में प्रजातंत्र अभी जिंदा है और आगे भी रहेगा, उसका यह द्योतक है और सूचक है, उस रूप में इसको लीजिए।